वन वेलकम बैक टू माय चैनल स्टाइल बाय सिमरा तो आज इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगी इंगेजमेंट मेकअप लुक ये ऐसा लुक है कि आप वेडिंग में एज अ गेस्ट भी से कर सकते हैं और अगर आप खुद ब्राइड हैं तो आप घर में पार्लर जैसा मेकअप खुद कर सकते हैं तो उसके लिए सबसे पहले मैंने यहाँ पर कंसीलर अप्लाई किया है उसे मैं ब्यूटी ब्लेंडर से अच्छे तरीके से ब्लेंड कर लूँगी तो मैं सबसे पहले आई मेकअप करूँगी क्योंकि मैं ग्लिटर यूज़ करूँगी तो फॉल आउट होगा इसलिए मैंने आई मेकअप से स्टार्ट किया है अब मैंने यहाँ पर ब्लैक कलर लिया है और इस तरीके के ब्रश से मैं इस ब्लैक कलर को अच्छे तरीके से प्लेस कर लूँगी उसके बाद मुझे अपना आई शेडो जहाँ तक रखना है मैं उसके लिए एक विंग बनाऊंगी और अंदर की तरफ लेते जाते हुए इसे अच्छे तरीके से ब्लैक कलर से ही ड्रॉ कर लूँगी नेक्स्ट मैंने वाइन कलर लिया है अब मैं ब्लैक के ऊपर ही वाइन कलर को लगाऊंगी मेरे पास कोई डार्क वाइन कलर नहीं था इसलिए मैंने पहले ब्लैक कलर लगाया है और उसके ऊपर वाइन अब हमें डार्क टू लाइट जाना है तो उसके लिए मैंने लाइट कलर का पिंक शेड लिया है जो इस वाइन कलर से लाइट है नेक्स्ट मैं कट क्रीज बनाऊंगी तो यहाँ पर मैंने कंसीलर ले लिया है और कट क्रीज ड्रॉ कर रही हूँ यहाँ मैं दो तरीके की ग्लिटर यूज़ करूँगी तो पहली है वाइन कलर की ग्लिटर तो उसके लिए जो मैंने कटकरीज बनाई है उसके हाफ में ही आ, मैं इसे अप्लाई करूँगी आप देख सकते हो सिर्फ मुझे इस ग्लिटर से सी बनाना है और जो सेंटर एरिया है वो मैं ऐसे ही छोड़ दूँगी अब जो सेंटर एरिया मैंने छोड़ा था वहाँ पर मैं पिंक कलर की प्रेस ग्लीटर अप्लाई कर रही हूँ नेक्स्ट यहाँ पर मैं यूज़ कर रही हूँ एलिएटिन का आईलाइनर और बस मैं एक सिंपल सा लाइनर ड्रॉ करूँगी अब जितना भी फॉल आउट हुआ है उसे मैं एक वेट वाइप लेकर अच्छे तरीके से अपने फेस को क्लीन कर लूँगी ताकि मेरा बेस अच्छा रहे नेक्स्ट मैं आई की मेकअप की तरफ चलूँगी तो यहाँ पर मैं आई को कर्ल कर रही हूँ यहाँ पर मैंने मस्कारा यूज़ किया है नेक्स्ट मैं यहाँ पर फाउंडेशन को अप्लाई करूँगी तो उसके लिए मैंने फाउंडेशन को पहले डॉट डॉट करके पूरे फेस पर रख लिया है और एक ब्यूटी ब्लेंडर लेकर उसे अच्छे तरीके से टैप टैप कर लूँगी और ये ब्यूटी ब्लेंडर पहले से ही वेट है अब मैं यहाँ पर अप्लाई कर रही हूँ कंसीलर तो मैं फ़ाउंडेशन जब यूज़ करती हूँ तभी उसके साथ ही कंसीलर भी अप्लाई कर लेती हूँ आपकी चॉइस है आप चाहो तो पहले कंसीलर भी कर सकते हो उसके बाद फ़ाउंडेशन अप्लाई कर सकते हो या मेरी तरीके से इस तरह साथ साथ भी आप इस तरीके से अप्लाई कर सकते हो तो अब मैं दोनों को अच्छे तरीके से ब्लेंड कर लूँगी इससे क्या होता है कि जितनी भी क्रीज़ लाइन होती है वो भी अच्छे तरीके से ब्लेंड हो जाती है और हमारे फाउंडेशन या कंसीलर की कोई लाइन हमारे फेस पर नहीं रहती नेक्स्ट यहाँ पर मैं अप्लाई करूँगी काजल तो काजल मैंने वाइट लिया है उसके बाद मैं आईब्रो को फिलिंग करूँगी तो उससे पहले जितनी भी डस्ट होती है हमारा फ़ाउंडेशन और पाउडर वग़ैरह सब आईब्रो पर लग जाता है तो पहले मैं उसे ब्रश लेकर ऐसे ही क्लीन कर लूँगी फिर मैंने एक जेल आईलाइनर लिया है ब्राउन कलर में और उससे मैं अपनी आईब्रो को सेट करूँगी और एक स्पूली से उसे अच्छे तरीके से फिल इन कर लूँगी यहाँ मैंने फेक एशिज ऑफ कैमरा ही अप्लाई कर ली हैं नेक्स्ट मैं अपने फ़ेस को कॉन्टोर करूँगी तो उसके लिए मैं पाउडर कॉन्टोर अप्लाई करूँगी तो इस तरीके से ब्रश लेकर पहले मैं अपने चीज को कॉन्टोर कर लूँगी फिर इसी तरीके से दूसरे चीक्स को भी अच्छी तरीके से कॉन्टोर कर लूँगी कॉन्टोर के बाद मैं अप्लाई करूँगी ब्लशर तो उसके लिए मैंने यहाँ पर ब्लू हेवन का शिमर मेड ब्लशर लिया है अब मैं इसे अच्छे तरीके से अपने दोनों चीक्स पर अप्लाई कर लूँगी अब मैं अप्लाई करूँगी हाइलाइटर तो ब्रिज ऑफ द नोज़ और अपने चीक्स पर और अपने अपर लिप्स पर सभी जगह जहाँ हम हाइलाइटर अप्लाई करते हैं मैं वहाँ पर हाइलाइटर अप्लाई कर लूँगी यहाँ मुझे मेरा इसमर ब्रश नहीं दिख रहा वो खो गया तो मैं वही ढूंढ रही हूँ तो यहाँ पर मुझे फिर मेरा स्मजर ब्रश मिल गया तो अब आईब्रो को भी हाईलाइट कर लेते हैं तो फिर मैंने यहाँ पर भी हाईलाइटर अप्लाई कर लिया इस तरीके से हमारी आइज़ और भी ज़्यादा ब्यूटीफुल लगती हैं और आईब्रो और आइज़ को और एक अच्छा नया लुक मिलता है अब लास्ट में मैं अप्लाई करूँगी लिपस्टिक तो उसके लिए मैंने इनसाइड का वाइन शेड ही लिया है तो मैं इसे भी अप्लाई कर लूँगी मैंने यहाँ पर जितने भी प्रोडक्ट यूज़ किए हैं आपको उसके लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर सकते हो बिंदी लगाकर मैं अपने लुक को अब कंप्लीट कर लूँगी एंड दिस इज़ माय फाइनल लुक तो आपको कैसा लगा कमेंट में बताना अगर आप मेरी वीडियो देख रहे हो तो प्लीज़ इसे ज़रूर लाइक करना और कमेंट भी करना एंड प्लीज़ सपोर्ट मी तो मेरा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर भी कर सकते हैं ताकि आपकी फ़्रेंड्स और फैमिली मेम्बर्स के लिए भी ये हेल्पफुल हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू तो माई चैनल